जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग अपना करियर जल सेना और वायु सेना में बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर ये वैकेंसी आया हुआ है। अगर आप लोग क्लास टेंथ पास है या फिर क्लास ट्वेल्थ पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या इसका क्राइटेरिया है, किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे, किस प्रकार से एग्जाम होगा, सैलरी क्या होने वाला है, उम्र सीमा क्या है, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो देखिए, हमारे पास जल सेना का जो भर्ती आया है यहां पर, इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, क्या नाम है? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय तट रक्षक। अब ये जो है ना, यहां पर अगर आप क्लास टेंथ पास है तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहां पर बोला जा रहा कि आप है आवेदन के लिए पात्र। देखिए, यहां पर पहला जो पोस्ट है एक क्या आपका नाविक का, नाविक मतलब समझते हैं जो नाव चलाता है, एक्चुअल में यहां पर नाव नहीं है, यहां पर जो जल जहाज है। ठीक है सर, तो यहां पर जो नाविक है, नाविक का दो पोस्ट है, एक है आपका जनरल ड्यूटी का, एक है आपका डोमेस्टिक ब्रांच का। जो आपका जनरल ड्यूटी का है ये आपका ट्वेल्थ क्लास पास वाला है और ट्वेल्थ क्लास में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। देखिए, यहां पर जो नाविक जनरल ड्यूटी वाला है इसमें क्या है कि काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि COBSE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ्स एवं फिजिक्स के साथ 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहां पर आप क्लास 12th पास होने चाहिए और आपका यहां पर सब्जेक्ट क्या-क्या होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो हुआ एक पोस्ट, फिर देखिए आगे क्या पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्या है देखिए कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और ये जो है अभ्यर्थी का COBSE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप लोग क्लास 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है आपका क्या है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का है। मतलब ये भी आपका नाविक का है लेकिन ये डोमेस्टिक ब्रांच का है और ये आपका क्लास 10th पास का ये वैकेंसी है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि यांत्रिक। अब ये जो यांत्रिक है ये आपका क्या है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास, देखिए 10वीं और 12वीं, ठीक है, या तो अगर आप 10वीं पास है तब भी भर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्या क्या देख लीजिए, एवं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन जिसमें रेडियो या पावर होगा, इंजीनियरिंग में AIECTE से स्वीकृत 3 या 4 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए 3 साल या फिर 4 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पोस्ट निकला हुआ है। एक जो है आपका नाविक जनरल ड्यूटी जो कि आपका कंप्लीटली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ और फिजिक्स रखे हैं, एक है आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जो आपका क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, और एक है आपका यांत्रिक, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप 10th पास है या फिर 12th पास है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें आयु सीमा का, तो आयु सीमा देखिए यहां पर जो आपका नाविक है एवं यांत्रिक पद, ठीक है, यहां पर जो नाविक आपका है जो ग्राउंड ड्यूटी या फिर जनरल ड्यूटी जो है और जो यांत्रिक पद है, इन दोनों के लिए जो है क्या है देखिए कि 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच जन्मे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक है, बस वही बच्चे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है उन लोगों का जो यहाँ पर रखा गया है एज क्राइटेरिया, तो 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच होना चाहिए। मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आयु सीमा देखिए, यहां पर जो आपका एक नाविक, जो नाविक है ना जनरल ड्यूटी या फिर ग्राउंड ड्यूटी वाला इसका और यांत्रिक पद वाला, इसके लिए जो यहाँ पर एज रखा गया है 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच तक आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच वाला है इसमें जो आपका मतलब रखा गया है जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो रखा गया है 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच होना चाहिए। तो बस ये रहा हमारा एज क्राइटेरिया।
अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि चयन प्रक्रिया के बारे में जाने, तो चार चरणों की चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर चार फेज में आपका जो भी चीज होगा होने वाला है, तो फर्स्ट फेज में आपका होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन यानी कि लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपका पूछा जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एवं जीके, तो ये सब चीज आपका पूछा जाने वाला है यहाँ पर। तो चार फेज में आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका वो जो तीन जो भी होगा उसको आप क्या करेंगे, इसका जो मेन वेबसाइट है, इसके मेन वेबसाइट का जो नाम है क्या देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिए इसका जो मेन वेबसाइट है इसका नाम है joinindiancoastguard.cdac.in, ठीक है, ये नाम है सर, joinindiancoastguard.cdac.in, यहाँ पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका भराएगा 4 जनवरी 2022 से, और इसका जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है आपका 14 जनवरी 2022 तक इसका लास्ट डेट है, 14 जनवरी तक आप लोगों का लास्ट डेट है। ये फॉर्म आपका जो भराना स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग और कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चाहे तो आप लोग कॉस्ट गार्ड वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एक, ठीक है। और यहां पर देखिए मतलब कुल मिलाकर 322 पद पर ये वैकेंसी मतलब निकलने वाला है, तो आप लोग भर सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है सर। और देखिए जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा है, यहां पर दो चीज है, एक तो आपका जल सेना हो गया और एक तो हो गया आपका यहां पर वायुसेना। तो जल सेना के बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं वायुसेना के बारे में। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं सर, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपका क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म को कहां से भरेंगे, लास्ट डेट क्या है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर है नोटिफिकेशन कि एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका। अगर आप लोग एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर क्या क्या चीज है। तो देखिए पहला बात, अगर यहां पर चाहते हैं अगर आप लोग एयरफोर्स में, तो देखिए यहां पर एयरफोर्स में सबसे पहला बात, यहां पर आपका क्लास 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। देखिए क्लास 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, क्या बोला जा रहा है देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैथ्स एवं फिजिक्स में से प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंक के साथ 12वीं पास। देखिए अगर आप लोग फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, जहां पर आप लोग हवाई जहाज में उड़ेंगे, ठीक है, और वो आपका फ्लाइंग ब्रांच, अगर आप लोग फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो यहां पर मैथ और फिजिक्स में दोनों में कम से कम 50% करके अंक होना चाहिए, और क्लास 12th आपका पास हुआ होना चाहिए। कम से कम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए, अगर आपका वो वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका ये वाला होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स प्रत्येक में 12वीं में 50% अंक एवं कम से कम 60% अंक में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक्चुअल में अगर यहाँ पर एयरफोर्स वाला अगर मैं बात करूँ, तो एयरफोर्स में भी आपका यहाँ पर एयरफोर्स में एक भी यहाँ पर वैकेंसी 10th पास का नहीं है, सारा का सारा वैकेंसी आपका 12th पास का है, वो भी आपका साइंस होना चाहिए। यहाँ पर आपका पीसीएम तो कंपलसरी है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो होना चाहिए, बायो का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, मैथ आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर जो यहाँ पर पोस्ट है आपका, यहाँ पर कुल मिलाकर 317 पद का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर जो जो आपका यहाँ पर क्या क्या देखिए, यहाँ पर पोस्ट है, एक आपका फ्लाइंग ब्रांच है, एक आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है, एक आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, मतलब यहाँ पर तीन टाइप का पोस्ट है, एक तो हो गया आपका फ्लाइंग ब्रांच, एक हो गया आपका यहाँ पर टेक्निकल ब्रांच, और एक हो गया आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच, और तीनों में यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है, आप लोग भर सकते हैं। और इसमें अगर आप भरना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो इसका मेन वेबसाइट है, क्या नाम है देखिए, careerindianairforce.cdac.in पर जाना है, और आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए और एक बार लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है, careerindianairforce.cdac.in, यहां पर जाकर आपको करना है फॉर्म अप्लाई। और इसका जो लास्ट डेट है सर कब है, 30 दिसंबर 2021 तक, मतलब यही दिसंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है, अगर आप लोग भरते हैं तो सही है, नहीं भरते हैं तो डेट पार हो जाएगा। तो बस ये था हमारा एयरफोर्स और
एयरफोर्स और नेवी का कुछ पोस्ट, ठीक है, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स का जो भी था मैंने आपको बताया। शायद आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी इशू होता है, अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर तैयारी करवाइए, तैयारी करने के लिए कौन सा बुक बेस्ट होता है, तो आप लोग बोलिए ना, मैं हर एक चीज़ का आप लोगों को रिव्यू दिखा दूंगा, बुक्स दिखा दूंगा कैसा है कैसा नहीं है। और आप लोग तैयारी भी करना चाहते हैं तो तैयारी भी कुछ हद तक करा दूंगा। और देखिए एक्चुअल में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर तैयारी के लिए देखिए आपका क्या है, जो जो आपके पास टेंथ और ट्वेल्थ का जो बुक्स है बस काफ़ी है। अगर आप लोग उतना कर लेते हैं ना तो कोई इशू नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया है। तो बस ये तक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।